दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे पास है पैनासोनिक की इन्वर्टर 1.5 टन की एसी। आज इसमें लीकेज है, हम लोग इसको चेक करेंगे पूरा। गैस चार्जिंग वगैरह पूरा प्रोसेस आपको इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए, उसका जवाब आपको हम दे देंगे। इसको पहले टेक्नीशियन ने भी चेक किया था, तो एक बार हम लोग फिर से इसको चेक करेंगे। देख सकते हैं आप, हमने कंप्रेसर साइड की कैबिनेट खोल लिया है। अब हम फ्रंट वाले को भी खोल लिए हैं, देख सकते हैं। इसका हम फैन मोटर कंप्रेसर कनेक्शन सभी निकाल लेंगे। इसमें कंडेंसर और कंप्रेसर दोनों ही रहेगा बस। ये ब्लैक कवर भी हम निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं फैन कनेक्शन पीसीबी सब निकाल लिया है। अब हम इसमें प्रेशर भर रहे हैं। इसमें हम भरेंगे 450 प्रेशर लगभग। ये हमने इसमें डेथ नट लगा दिया ताकि जो है इसको हम प्रेशर भरे तो निकले ना। और ऊपर वाले में भी हमने वो लगा दिया है क्लियर नट, ताकि इसमें पानी भर आए। आप देख सकते हैं हमने इसमें प्रेशर भर लिया लगभग 500। अब हम लोग इसको पानी में डुबा कर चेक करेंगे। दोस्तों ये देखिए कि हमने इसको पानी में पूरी तरह से डुबा कर चेक किया, तो इसमें लीकेज नहीं है। आउटडोर में कहीं भी लीकेज नहीं है। पूरा कंप्रेसर को भी हमने पानी में डुबा कर चेक किया था। हमने इसके कनेक्शन को खोल लिया है, तो पानी में डुबा कर चेक किया, इसमें लीकेज आउटडोर में नहीं है। अब इसके बाद हम इसको धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। अब हम इंडोर के बारे में खोलते हैं। देख सकते हैं आप, हम इंडोर के कॉयल को भी निकाल लिए हैं। अब हम इसको इसमें प्रेशर भरते हैं और इसको चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आप, पैनासोनिक के इन्वर्टर एसी 1.5 टन का है। हमने सब कनेक्शन छोड़ दिया, खाली इसका इंडोर का कॉयल निकाला है बस। अभी देख सकते हैं हमने इसमें प्रेशर भरा, तो ये लीकेज भी मिल गया हमें एकदम। बहुत आप देख सकते हैं, बहुत महीन बाल बराबर, बाल से भी छोटा लीकेज है। इसको पहले टेक्नीशियन ने भी चेक किया था और लोगों ने, तो वो लीकेज को ढूंढ नहीं पाए थे। आप अभी देख सकते हैं बहुत महीन लीकेज है, आप देख सकते हैं। इतना महीन लीकेज है कि ये आँख से दिख नहीं रहा। इतना मतलब महीन जो इसका छेद है, लीकेज है, ये आँख से दिख नहीं रहा। बहुत महीन लीकेज है इसमें। अभी से देख सकते हैं 450 प्लस प्रेशर है, फिर भी ये लीकेज मिल नहीं रहा है। अब हम लोग इसको जो है सोल्ड करेंगे ज्वाइंट। आप देख सकते हैं हमने इसको फिर से जोड़ दिया और प्रेशर भी डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं अभी लीकेज नहीं है इसमें, हमने इसको बना दिया है। ये जो ज्वाइंट होता है वही ज्वाइंट से था, हमने इसको बना दिया। दोबारा से प्रेशर डाला, 450 प्रेशर डाला है। आप देखते ना जरा भी लीकेज,
तो हमने इसको जोड़ दिया, सोल्ड कर दिया है। अब इसको बांधते हैं और आउटडोर को भी बांधते हैं, और इसमें आज गैस चार्जिंग वगैरह पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आइए आउटडोर के पास चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, आउटडोर का हम फ्रंट वाला कैबिनेट लगा दिए हैं, और इसके बाद हम इंडोर को भी सेट करेंगे। ये पीसीबी फैन वगैरह हमने सभी लगा दिया है। कनेक्शन भी हम लगा लेंगे। ये देख सकते हैं हमने हम इंडोर भी फिट कर दिए हैं अंदर। अब चलते हैं आउटडोर के पास। ये इन्वर्टर एसी है, आप जानते ही हैं, और इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो R32 855 ग्राम है। और आपने ध्यान रखा है कि जो रेफ्रिजरेंट आप डाल चार्ज करते हो इसमें, वो अक्सर ज़्यादा कोशिश करिए कि वेट करके डालिए। अब इसमें देख सकते हैं हमने प्रेशर डाला, इसको हम एक बार फिर से जो फ्लेयर नट वगैरह उसमें लीकेज चेक करेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक जरा भी लीकेज इसमें नहीं है, हमने इसमें फ्लेयर भी नया बनाया है। अब हम इसमें गैस चार्जिंग के लिए चलते हैं। देख सकते हैं हमारा आउटडोर भी चालू हो गया है, फैन चल रहा है। हमने इसमें गैस भी थोड़ा डाल दिया। अभी ये लोड ले रहा 3.7 एम्पियर। और आप ने ये ध्यान रखना है, जब गैस आप चार्ज करोगे तो सिलेंडर को उल्टा रखना है। उससे क्या होगा, जो एयर रहेगी सिलेंडर में, जो पानी या एयर रहता है, वो ऊपर हो जाता है रेफ्रिजरेंट नीचे वाल्व की तरफ, जिससे सिर्फ रेफ्रिजरेंट आपके सिस्टम में आएगा। आप देखते हैं इसमें 855 ग्राम गैस पड़ेगी R32। और ज़्यादा कोशिश करिए कि आप रेफ्रिजरेंट वेट करके ही डालिए, क्योंकि R32 के आपने सुना होगा कंप्रेसर जो है फटते बहुत हैं, तो वो हमारी लापरवाही से ही फटते हैं, क्योंकि भाई कंप्रेसर फटता नहीं है। अभी आप देख सकते हैं डिस्चार्ज लाइन में आइस आने लगा है। अभी गैस कम है, आइस तो आएगा ही, फैन भी हमारा फुल स्पीड पर चल रहा है। अभी देख सकते हैं आप, इसमें लोड लेने 5.4.7 एम्पीयर ले रहा है, और इसका जो लोड होगा वो लगभग होगा 6 एम्पीयर, 6.2 एम्पीयर ऐसे लोड रहेगा इसका, फुल लोड पर जब ये चलेगा सिस्टम आपका।